एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हम ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे पोटैटो पेंटिंग। तो बच्चों पोटैटो पेंटिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक पोटैटो, ए फोर साइज शीट, वाइट शीट, ब्लैक स्केच एंड पेंट कलर एंड पेंट। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटैटो को हम हाफ कट कर लेंगे। बच्चों हमने देखिए पोटैटो को कट कर लिया। अब हमने क्या करा, हमने देखिए प्लेट में कलर लिए हैं और अब मैं येलो कलर पोटैटो पर येलो कलर लगाऊंगी। इस तरह से मैंने पोटैटो को येलो कलर किया और क्या करूंगी मैं इस शीट पर जो है इस तरह से पोटैटो को रख दूंगी। हमने शीट्स पे मैंने थ्री क्या करा, येलो कलर किया। अब मैंने एक छोटा आलू लिया है, इसको भी मैं येलो कलर से पेंट करूंगी। और पेंट करने के बाद हम इसे अपनी जो हम डक बना रहे हैं पोटैटो से उसका फेस बनाऊंगी। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे इसको रख दूंगी। देखिए सेम इसी तरह से इन दो का मैं अपनी डक का फेस बनाऊंगी। देखिए मैंने जो है डक का फेस बना लिया। अब मैंने दूसरे कलर का आलू उस पर आलू पे दूसरा कलर किया है और इससे अब मैं सन बनाऊंगी। तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मैंने आलू पे स्काई ब्लू कलर से क्या किया है, बादल बनाए हैं। देखिए तो अब मैंने पोटैटो को ग्रीन कलर किया और इससे जो मैं हूँ ट्री बनाऊंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं ट्री बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन पोटैटो से यहाँ पे ट्री बनाया है। तो देखिए हमने लगभग जो है इनका बेस बना लिया। अब इसके सूखने का वेट करें, उसके बाद हम इनका बेस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर से अपने ट्री की जो है नीचे का तना बनाया है। सेम इसी तरह से सन की राइजेस बनाई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रीन कलर लेंगे और ग्रीन कलर से हम यहाँ पे ग्रास बनाएंगे नीचे। इस तरह से हम ग्रास बना लेंगे। हमारी जो पेंटिंग है वो लगभग सूख चुकी है। अब हमें क्या करना, हमने अपने यहाँ पे डक की पीक बना लिया है। अब हम इसके पैर बनाएंगे। तो पैर के लिए मैंने ब्राउन स्केच लिया है और उनसे मैं उनके पैर बनाऊंगी इस तरह से। हमने ब्राउन कलर से इसके पैर बना लिए अपनी डक के। डक है ये हमारा चिक है, ठीक है। अब हम इसकी ब्लैक स्केच से आईज बनाएंगे इस तरह से। देखिए हमने अपने चिक की आईज बना लिए। तो अब हमारी पेंटिंग एकदम तैयार है। पसंद आई है तो हमारे अंक इंडिया एनजीओ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इस तरह की और आने वाली पेंटिंग वीडियो देख सकें। थैंक यू।